मैं आजाद न्यूज़ टीवी तो रोहित अरोड़ा इस वक्त असी खड़े हैं पटियाला दे हॉस्पिटल रिंदा हॉस्पिटल जिथे कि मामला है एक पिंडी नाम बनाने घर विच आपसी लड़ाई। इस विच असी देखांगे कि एक पत्नी दे पिंडी बनाने मना करते उसके पति ने उसे हाथ चक्या इस तो बाद पत्नी ने अपने रिश्ते बुलाया तो उन्हें थ्रू पति नूं पेट्रोल पा के अग लाने की कोशिश की गई। इस तो बाद सर हमारी बीवी चार दिन के बाद आई ससुराल से। हाँ जी, वो हरिंदर नगर रहते हैं ससुराल वाले। अच्छा। मैं प्रीत नगर त्रिपड़ी। अच्छा। उसके बाद सर मैं लेके आया, बोला कुछ बना ला, तो बोलती है दाल बना लेती हूँ साथ में रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद बोलती है मैं दाल नहीं बनाऊँगी, भिंडी ले आओ। ठीक है। सर मैं 1 किलो भिंडी भी ले आया 60 रुपये किलो की। भिंडी काटते काटते बोलती मैं नहीं बनाऊँगी। अच्छा। उसको भिंडी को फेंक दी। अच्छा। मैं एक चांटा मार दिया, इतने मेरा साड़ू और साले लोग आ गए। अच्छा। ये जोन सी मतलब कि आपने मतलब ये कंडीशन आपकी हुई है या आप अपने आप आग लगाई आपने? उसके बाद मेरा साड़ू आया, मेरे को मारा पीटा, फिर मैं साइकिल लेने गया, उसके बाद मेरा साड़ू मेरा हाथ पैर बांध के मेरे को मारा, इधर ब्लेड भी मारा हाथ पे, टाँके भी लगे हैं। उसके बाद मेरे को पेट्रोल मार के जला दिया। अकेले साडू ने भी और भी साथ में थे कोई? साथ में साले वगैरह सब थे। क्या क्या नाम है उनके? साला मनीष है, इरफान है, इरफान लेकिन छोटा है। अच्छा। 13-14 साल का वो। साडू का क्या नाम है? महेश है। महेश, आपकी बीवी ने नहीं कुछ कहा उनको? नहीं सर, बीवी बस देखती रह गई, हमारी सासू माँ भी देखती रह गई। अच्छा, उन्होंने मतलब कि जोन सा आपका साडू और साला को उनको किसने बुलाया था? आपकी बीवी ने बुलाया था उनको भी? सर एक फोन की, तुरंत वो लोग पहुँच गए और वहाँ जाके पूछे कुछ नहीं, बस मारना चालू कर दिए। मैं साइकिल लेने गया, इतने मेरे को हाथ पैर बांध के मारे काटे, उसके बाद पेट्रोल मार के जला दिए। फिर सर मेरा हाथ पैर जलने लगा, पूरा कपड़ा जलने लगा, तो मैं भागते भागते त्रिपड़ी आया, गोविंद हॉस्पिटल बंद था, वहाँ मैं सर रोता गाता हुआ लेटा था। फिर मैं अपने भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई आया, उसके बाद सर वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया, यहाँ 10 मिनट बाद हमें एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस ने हमको ले आया इधर, तब से सर मैं यहाँ भर्ती हूँ। उसके बाद सर वो लोग देखने भी नहीं आए। अच्छा, वो मतलब आपकी बीबी भी नहीं देखने आई? बीबी आई थी सर एक दिन। हाँ जी। तीसरे दिन वो भी 11 बजे रात को क्या देखने आई थी, 11 बजे रात को कोई लड़की अकेले आएगी, बीच में कुछ हो जाएगा, जिम्मेदार कौन होएगा? तो मैं सर रात भर इधर रखा गोविंद इधर। ये कौन है? ये हमारी माँ है। अच्छा। अभी परसों गांव से आए। अच्छा। हाँ जी, जब इनको पता लगा। अच्छा। सर फिर मैं सवेरे में बोला अभी क्या करने के लिए आई थी, रात को तेरे कौन छोड़ा? बोलती मैं अकेले, मैं बोली देखने आई थी, मर गया। उन्होंने माफी मूवी कुछ भी नहीं मांगी आपसे? नहीं नहीं, आपकी बीवी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं। अब जो उनसे आपका साडू वगैरह है वो कहाँ पे है? साडू शायद सर जेल में है। अच्छा, बाकी हाँ साले घूम रहे हैं। आप किस किस को चाहते हो अभी, किस किस को आपके इस मतलब जो आपके साथ की है इसकी सजा किस किस को मिलनी चाहिए, किस किस का उसमें हाथ था? सर सबका हाथ है, क्योंकि देखने वाला भी तो उसी में है, सबके सामने। बीवी को भी सबको मिलनी चाहिए सर, कभी तो सजा भुगत रहे हैं। हाँ जी नमस्कार, आपकी बहू ने ऐसा काम किया है, फिर आपने पहले आप हॉस्पिटल आए हो घर जाके आए हो? हम घर पे मैंने आया था, मैंने इसको घर से मैं आया था। अच्छा। ये शादी करके ही था। अच्छा। घर पे गया नहीं था सर। अच्छा। हाँ, जो आपको कैसे पता चला अभी ये जो जलाने के, मैंने इसके जलाने का फोन गया था, मेरा छोटा का माजिल वाला लड़का करा था, फिर मैंने वो जल गया था, तो मैं परसों भाग के आया था इधर। अच्छा। हाँ, तो देखते हैं सर, मैं गरीब आदमी, मैं क्या करूँ। सो जिदा कि असी देखिया रणजीत जी की जुबानी सुने है कि पत्नी वालों पिंडी ना बनाने मना करते उन्होंने वालों उसके थप्पड़ मारनते उन्होंने अपने रिश्तेदार जिदा कि रणजीत जी की जुबानी सुने है कि उन्होंने सस साले तो उन्होंने पत्नी उन्होंने वालों पेट्रोल छिड़क के जलाते उन्होंने जो कंडीशन है वह असी थानू रूबरू करवाया। उस तो कैमरामैन प्रदीप कुमार के नाम तो प्रोडक्ट होना चाहूँगा।